द्वितीय विश्व युद्ध मानव इतिहास के सबसे जटिल और विविध अध्यायों में से एक था, जिसमें पूरी दुख भरी कहानी के अनेक स्तर थे। हमें लगता है कि हमारे पास सहयोगी और अक्षुण्ण शक्तियों के बीच की लड़ाई की पूरी झलक है, लेकिन सैनिक, टैंक, जहाज और विमान केवल कहानी का हिस्सा है, क्योंकि हर विनाशकारी लड़ाई के पीछे जासूसों की एक मौन, गुप्त और घातक दुनिया होती है। द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोगियों के लिए जासूस बनने का मतलब था कि आपके वापस नहीं आने का एक में चार का चांस होता, और फिर भी वहां ऐसे लोग थे जो इस माहौल में फलते फूलते थे और एक गुप्त युद्ध लड़ते थे, जो अपने स्वदेश को मुक्त करने के लिए लड़ रहे थे और जिनका विजय में योगदान अमाप्य था। जासूस बनने के लिए विशेषता चाहिए, लेकिन दुनिया के सबसे खतरनाक जासूस के रूप में दुश्मन द्वारा ब्रांड किए जाने के लिए क्या चाहिए होगा? यह उस महिला की कहानी है जिसने उस उपाधि को प्राप्त किया। यह वर्जीनिया हॉल की कहानी है। विश्व की युद्धों में आपका स्वागत है। छह अप्रैल 1006 को बाल्टीमोर मैरीलैंड में जन्मी वर्जीनिया हॉल बचपन से ही अपनी शिक्षा पूरी करने और परिवार शुरू करने के लिए पति खोजने से अधिक अस्पष्ट थीं। विदेशी भाषाओं में गहरी समझ और साहस के साथ उन्होंने यात्रा करने और अंततः यूएस राजदूत बनने की इच्छा जताई, जो उस समय के लिए महिला के लिए उच्च लक्ष्य था। उन्होंने मैसाचुसेट्स के रेडक्लिफ कॉलेज में और न्यूयॉर्क के बार्नार्ड में पढ़ाई की और फ्रेंच, जर्मन और इतालवी भाषाएं सीखीं, जॉर्ज वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में शामिल होने से पहले। यहां उन्होंने अर्थशास्त्र की शिक्षा ली। एक असफल प्रेम संबंध के बाद, जिससे वह शादी करने का निर्णय किया था, उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने के लिए यूरोप में अध्ययन जारी रखने का निर्णय किया और एक नाव 3-1 में वार्सो पोलैंड में यूएस दूतावास में कॉन्सुलर सेवा क्लर्क की नौकरी पाई। कुछ महीनों बाद उन्होंने तुर्की इज्मिर में काम करने के लिए स्थानांतरण का अनुरोध किया। हॉल ने टर्की की सभी चीजों का आनंद लिया, लेकिन एक घटना ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। वह और उनके दोस्त अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में इज्मिर के आसपास के दलदल में खेल पक्षियों का शिकार करना पसंद करते थे। एक नाव रात 3 में शिकार की यात्रा पर असावधानी से हॉल ने लौट हुई बंदूक को नीचे इशारा करने दिया, जब वह उनके हाथ से फिसल गई। फिर भी उन्हें फायरआर्म्स का अच्छा ज्ञान था। उनकी उंगलियां स्वतः ही गिरते हथियार के लिए बाहर निकलीं, जिससे ट्रिगर दब गया और एक गोली उनके बाएं पैर में चली गई। जब दोस्तों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, तब तक सेप्टिसीमिया हो चुका था, जिसने डॉक्टरों को रक्त विषाणु को रोकने के लिए पैर का ऑपरेशन करने पर मजबूर कर दिया। फिर भी यह स्पष्ट नहीं था कि वह बच जाएगी, और कई दिनों तक वह चेतना में थी और बाहर थी, लेकिन अंततः उसने अपनी जिद को अपने मृत पिता के सपने का श्रेय दिया, जिन्होंने उसे बताया कि उसकी मां अभी भी उसे चाहिए। अमेरिका लौटने पर उसे कृत्रिम पैर लगाया गया, जिस पर वह थोड़ी लंगड़ाती थी, परंतु उसने अपनी विकलांगता को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने तुर्की में क्लर्क की नौकरी वापस ली, इटली और एस्टोनिया में गए, लेकिन असंतुष्ट होकर उन्होंने बड़े राजनयिक सेवा रोल्स के लिए आवेदन किया। उसकी कोशिशों को बार बार खारिज कर दिया गया था, इसे वह अपने कृत्रिम पैर की वजह से मानती थी। 1939 के अप्रैल में अपने काम की अनचाही प्रगति से निराश एस्टोनिया में रहते हुए ने उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, परंतु यूनाइटेड स्टेट्स वापस जाने के बजाय वह पूर्वी यूरोप में रहने का निर्णय लिया। वह गर्मी महाद्वीप अगर नहीं तो पूरी दुनिया के लिए कठिन थी, क्योंकि हिटलर मार्च में थे। जर्मन वेहरमाख्त ने पोलैंड को ओवररन करने के लगभग 2 महीने बाद हॉल ने फौशीवाद के प्रसार को रोकने के लिए कुछ करने की ठान के साथ फ्रांस की ओर अपना रास्ता बनाया। फ्रेंच आर्मी एम्बुलेंस यूनिट के भीतर एक स्थान पा रही थी। 1940 के मई में वे एक एम्बुलेंस चला रहे थे, सिर्फ 20 मील दूर अराजकता से, जिसने उनकी वाहन को हवाई हमलों से बचाया। निराशा में डूबे शरणार्थियों ने अक्सर एम्बुलेंस की मदद की गुहार लगाई,
लेकिन उन्हें अक्सर मदद नहीं कर सके क्योंकि वे खुद ही सामग्री से बाहर थे। फ्रांस को अंततः पराजित होते हुए हॉल का तानाशाही के तहत जीने का कोई इरादा नहीं था। ब्रिटेन और अमेरिका के लिए मार्गों को रोकने के बाद उसका एकमात्र विकल्प दक्षिण की ओर स्पेन की सीमा पार करना था, जो एक तटस्थ देश है लेकिन हिटलर के प्रति सहानुभूति रखता है। संयोगवश स्पेन में उसने ब्रिटिश खुफिया अधिकारी जॉर्ज बेलोच से मिला, जो इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे सहयोगी निकोलस बैरिंगटन से मिलवाने का निर्णय लिया। बैरिंगटन ने 1040 में प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा स्थापित ब्रिटिश सरकार की नई शाखा स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव सोए के लिए काम किया। चोटिल ब्रिटिश बलों के यूरोप पर हमला करने की अक्षमता के कारण सोए अब स्थानीय प्रतिरोध समूहों के साथ काम करेगा, खुफिया जानकारी इकट्ठा करेगा, प्रतिरोध कोशिकाओं का समन्वय करेगा, जर्मन उपकरण को नष्ट करेगा और निश्चित रूप से हत्याएं करेगा। यूरोपीय भाषाओं की जानकारी, यूरोपीय भूमि पर हाथों हाथ अनुभव और प्राकृतिक ड्राइव के साथ वह आदर्श उम्मीदवार थीं। इसलिए उन्हें ब्रिटेन में प्रवेश और प्रशिक्षण के लिए ले जाया गया। फिर हॉल को सोए के एफ सेक्शन फ्रांस के लिए सौंपा गया और उसे पहला कार्य दिए गए थे। अपनी राष्ट्रीयता को छुपाने के लिए उसे 2-3 अगस्त 1904 का एक कोविची फ्रांस में न्यूयॉर्क पोस्ट के रिपोर्टर के रूप में भेजा गया, जिसने बाद में उसके छद्म नाम की कहानियां प्रकाशित की जो उसकी पहचान को छिपाने में मदद करेगी। इसने उसे सवाल पूछने और नोट लेने की बिना संदेह उत्पन्न किया। विची फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ही चल रहे युद्ध में तटस्थ हो गए थे। हॉल लियों और उसके आसपास सोए के एजेंटों के लिए सुरक्षित घरों के नेटवर्क की स्थापना और उन्हें बनाए रखने में मदद करते थे, जब वे विची फ्रेंच प्राधिकरणों और उनके गेस्टापो मास्टर्स से छिप रहे थे। उनके नेटवर्क, जिसे वे सर्किट कहते थे, को सोए में हैकलर का कोड नाम दिया गया था। उन्होंने विभिन्न एजेंटों और फ्रांस में स्थापित हो रहे प्रतिरोध कक्षों के बीच संदेश भेजे। उन्होंने हिटलर के खिलाफ कार्य में सहायता क्रियान्वित करने के लिए रिश्वत या ब्लैकमेल करने की संभावना वाले सरकारी अधिकारियों की जासूसी की। यह सूचना कभी कभी वेश्याओं को उनके जर्मन या विची ग्राहकों से, जब उनकी सुरक्षा कमजोर होती थी, भुगतान करके प्राप्त की जाती थी। उन्हें जीवित रहने के लिए निम्न प्रोफाइल बने रहना महत्वपूर्ण होगा, इसलिए उन्होंने कपड़ों की चुनावी और मेकअप के साथ रचनात्मकता बढ़ाई, जो उन्हें हर दिन अलग दिखने में मदद करती थी। उनकी सतर्क प्रकृति ने उन्हें कई बार खोज से सुरक्षित रखा। विची फ्रांस में सिर्फ 2 महीने बाद, जब उन्हें लगा कि विची प्राधिकरणों को सोए एजेंटों की बैठक का पता चल गया है, वे बचने की कोशिश कर रहे थे। बैठक पर छापेमारी हुई, कई एजेंट गिरफ्तार हुए, लेकिन उन्होंने वहां से बचकर निकलने का प्रबंध किया। स्कोर को बराबर करते हुए हॉल मोसैक कारागार से पकड़े गए 12 एजेंटों की जेलब्रेक को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। 1942 की 5 जुलाई को एजेंटों ने कैदी की पत्नी के खाने के पैरसल में उपकरण छुपाकर भाग गए। हॉल ने उनकी भागने के लिए परिवहन और सुरक्षित घर सहित मार्ग स्थापित किया। यह सोए के लिए असाधारण सफलता थी, लेकिन इसने गेस्तापो की क्रोध उत्पन्न किया, जिसने उसे और भागने वालों को खोजने के लिए 500 से अधिक एजेंट भेजे। वर्जीनिया की बेहतरीन कोशिशों के बावजूद 1942 के नवंबर में एक फ्रेंच पुजारी और जर्मन सूचनादाता ने उसे संभावित सोए एजेंट के रूप में पहचाना। उसे भागने का समय आ गया था, इसलिए वह स्पेनिश सीमा की ओर दौड़ी। पायरेनीज में 50 मील ट्रैक करती रही, जब तक सर्दी की चुभन नहीं शुरू हुई और वह स्पेन की सुरक्षा में नहीं पहुंच गई। देश में अवैध रूप से प्रवेश करने पर उसे स्पेनिश प्राधिकरणों ने गिरफ्तार किया, संक्षेप में हिरासत ली गई। फिर यूएस कॉन्सुलेट ने उसकी रिहाई का समझौता किया और वह ब्रिटेन वापस चली गई। उसकी वापसी के समय तक युद्ध के साथ समग्र स्थिति में बहुत बदलाव हो गया था। अब अमेरिका पूरी तरह हिटलर के खिलाफ लड़ रहा था और सोए ने अमेरिकी संगठन ओएसएस में शामिल होने के विचार किए।
सोए की रक्षा में उनके पास उसे फिर से क्षेत्र में भेजने के लिए सतर्क होने का हर कारण था। जर्मन अभी भी उसे खोज रहे थे और उन्होंने उसका प्रोस्थेटिक पैर के कारण हल्का लंगड़ाना पहचान लिया, जिसने उन्हें उसे लायन की लंगड़ती महिला के नाम से संबोधित करने की ओर ले गया। विशेष रूप से एक आदमी ने उसे पकड़ने में रुचि ली थी, क्लाउस बार्बी नामक एक क्रूर नाजी, जिसे इतिहास लायन का कसाई के रूप में याद रखेगा। बार्बी को पकड़ने में निराशा हुई। फ्रांस में उसकी सफलता पर वह सबसे खतरनाक जासूस के रूप में माना गया। यद्यपि उसका धारणा कि वह कनाडियन है, अमेरिकी नहीं, गलत था। नाजी समाज में महिलाओं का स्थान घर बनाने के रूप में था। गेस्तापो ने महिला एजेंटों का उपयोग अवैध माना और पकड़ी गई महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक घोर यातनाओं का सामना करने पड़े। टूटे नाखूनों की लाइन से त्यपका यातना की उम्मीद लगाई जाती थी, पर वहां यौन उत्पीड़न का भी पहलू था, जो बार्बी की प्रिय अपमानन विधियों में से एक थी। जबकि सोए ने उसे बाहर रखने का निर्णय लिया, ओएसएस ने उसकी कौशल और अनुभव की जरूरत महसूस की और अमेरिकी कमांड के अधीन उसने फ्रांस लौटने की योजना बनाई। उसकी सतर्क प्रकृति, जिसने उसे जीवित रखा था, उसे अधिकतम सतर्कता बरतने की दिशा में मार्गदर्शन करती थी। गेस्टापो को उसकी मौजूदगी का ठीक से पता होने का अनुमान करते हुए उसने एक वृद्ध महिला के बहाने का निर्णय लिया। इससे उसे अपनी चाल चलन को वृद्ध महिला की तरह ढंग से बदलने और अपनी लंगड़ाहट को छुपाने की क्षमता मिली। उसने मेकअप कलाविद से सीखा कि अपने चेहरे की प्राकृतिक रेखाओं को झुर्रियों की तरह प्रदर्शित करना कैसे करें, जिससे उसकी उपस्थिति अधिक बुढ़ापा दिखाए। उसने तेजी से एक लंदन के दंत चिकित्सक को भुगतान किया, जिसने उसके दांतों को एक फ्रांसीसी किसान महिला की तरह क्षतिग्रस्त दिखाने के लिए फाइल किया। वह मार्च 1944 में फ्रांस लौटने का निर्णय ले चुकी थी। डीडे उत्तरण की तैयारियां अब पूर्णतया शुरू हो चुकी थीं, और इसका मुख्य फोकस फ्रांसीसी प्रतिरोध से संपर्क और हमले की बुनियाद स्थापित करने में मदद करने पर था। कोडनाम डायन के तहत कामरते हुए उन्होंने 1 मार्च 1944 की रात ब्रिटनी में पैराशूट के जरिए उतरना किया, गनबोट के बजाय। उस रात उनके साथ 7 2-वर्षीय हेनरी लासोट भी थे, जो ओएसएस नेटवर्क के नेता थे। हालांकि हॉल उनसे प्रभावित नहीं हुए और उन्हें छोड़ दिया, मानते हुए कि उनकी बातचीत स्वभाव से उन्हें मुसीबत में डाल देगा। डीडे की तैयारी में वे अधिकांश समय फ्रांसीसी प्रतिरोध को हथियार और प्रशिक्षण देने और उनकी सहायता की कमांड को समन्वित करने में व्यतीत करते थे। पेरिस के दक्षिणी ग्रामीण क्षेत्र में बसने वाली वह दिन में फ्रेंच दूध वाली के बहाने से और रात में नए प्रतिरोध सदस्यों की प्रशिक्षण देने से समय बिताती थी। फ्रांस में रहते हुए भी उनकी उच्चारण शैली काफी इच्छित थी, इसलिए उन्होंने स्थानीय महिला का समर्थन पाने की कोशिश की, ताकि वे सार्वजनिक रूप से बोल सकें। ब्रिटेन के सहयोगी मुख्यालय के साथ काम कर उन्होंने कई प्रतिरोध कोष्ठक निर्मित किए और उनके लिए हथियारों का एयर ड्रॉप व्यवस्थित किया, हजारों विद्रोहियों की सेना का निर्माण करते हुए। उनके प्रतिरोध कोष्ठकों ने सुनिश्चित किया कि 6 जून के बाद नॉर्मंडी के जर्मन गतिविधियां निरंतर सुरक्षित नहीं और बाधित रहीं। उन्होंने कैदियों का एक और जेल ब्रेक कराने की कोशिश की, पर यह असफल रही। सहयोगी नॉर्मंडी छोड़ने पर हॉल को दक्षिण और आगे स्थानांतरित किया गया, लेकिन विभिन्न स्थानों पर उनकी प्रमुख समस्या फ्रांसीसी प्रतिरोध नेताओं द्वारा उनकी प्राधिकरण की मान्यता की कमी रही। यह या तो इसलिए था कि वह महिला थीं, या उन्हें ओएसएस में निम्न पद दिया गया था, जबकि वे उन नेताओं को आदेश दे रही थीं जो खुद को उच्च पदों के अधिकारी मानते थे। फिर भी उन्होंने उनके साथ दृढ़ता से काम किया और अंत में उनकी अनिच्छुक सम्मान प्राप्त किया। 1944 के सितंबर तक पश्चिमी और उत्तरी फ्रांस पेरिस सहित मुक्त हो चुके थे और विची सरकार का अवशेष जर्मनी में निर्वास कर गया था। इस प्रकार फ्रांसीसी प्रतिरोध धीरे धीरे सामान्य सहयोगी सेनाओं में शामिल हो रहा था, जिससे सोए और ओएसएस से गुप्त सहायता अनावश्यक हो गई थी। इस प्रकार हॉल को, जिन्होंने अब तक बुढ़िया का वेशभूषा त्यागा था, अब तक का सबसे खतरनाक कार्य दिया गया, जो था कि ऑस्ट्रिया में प्रवेश करके एक नाव 3/18 के आंश्लुस के दौरान जर्मनी में समाहित नाजी विरोधी समूहों के साथ काम करें। फ्रांस के मुकाबले ऑस्ट्रिया में पॉल गोलियत के साथ काम करना विभिन्न था। पॉल और गोलियत को संचालनों का चयन करने में स्वतंत्रता मिली,
लेकिन उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे जर्मनी के नए जेट फाइटर बेस को प्राथमिकता दें। उन्हें बताया गया था कि ऑस्ट्रियाई प्रतिरोध कोशिकाओं की भर्ती में गुणवत्ता मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि छोटी इकाइयां जर्मनों के खोजने की संभावना कम होती है। शस्त्रधारी ऑस्ट्रियाई प्रतिरोध स्वास्टिका के तहत अन्य देशों के मुकाबले कहीं कम था, पर इसमें वफादारी की अज्ञातता के कारण जनसंख्या में काम करने का अतिरिक्त जोखिम था। हॉल और गोलियात के साथ समन्वित ऑस्ट्रियाई प्रतिरोध समूहों ने जर्मन संचालनों और हवाई हमलों के लिए संभावित लक्ष्यों पर महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी वापस भेजी, साथ ही घात और सबोटाज का आयोजन किया, जबकि इस बिंदु तक होलोकॉस्ट के पैमाने पर पहली विश्वसनीय जानकारी उत्पन्न की। साथ में 1945 को जर्मनी ने बिना शर्त समर्पण कर दिया, जिससे यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। फ्रांस वापसी पर हॉल तत्परता से उनके और उनके सहयोगियों की उत्तेजना भरी रिपोर्ट लिखने लगे, न सिर्फ उनके योगदान की पहचान करने के लिए बल्कि उन सहयोगियों के खिलाफ होने वाली हिंसा और हत्या को रोकने के लिए भी जो वास्तव में उनके साथ काम कर रहे थे। 1942 में नाजियों को खुलासा करने वाले पुजारी को युद्ध के बाद निष्पादित किया गया। पॉल गोलियत के साथ काम करने और उनके नजदीक आने के बाद उन्होंने युद्ध के बाद अमेरिका में कई वर्षों तक साथ बिताए, जब तक कि 1957 में विवाह नहीं हुआ। 8 जुलाई 1888-12 को वर्जीनिया गोलियत की मृत्यु हुई, जिसकी कहानी उसके स्वयं की चुप्पी के कारण कई वर्षों तक अनदेखी की गई। हाल के वर्षों में जब हमें उस महिला की कहानी मालूम हुई, हम उसकी फासिस्ट अत्याचार को परास्त करने में भूमिका की सम्मान कर सकते हैं। वर्जीनिया हॉल दुनिया की सबसे खतरनाक जासूस